कान्हा सेवा संस्थान के तत्वावधान में तुलसी विवाह आयोजन एकादशी के दिन 16 नवंबर को किया जाएगा, जिसके संबंध में कार्यक्रम के आयोजक अनुपम कुमार ने बताया कि लगातार 15 वर्षों से भगवान विष्णु की पूजा का प्रबंध किया गया है, जिसके तहत माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। उन्होंने बताया कि देव उत्थानी एकादशी के दिन माता तुलसी एवं शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होगा। इसी के साथ एक गरीब कन्या का विवाह भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के आयोजक अनुपम कुमार ने बताया, मैं अनुपम कुमार, ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित है और हर साल की भांति इस साल भी तुलसी विवाह हो रही है। देवउठनी एकादशी के अवसर पे भगवान का मंडप सजेगा, उसमें श्री शालिग्राम जी और माता तुलसी की हल्दी का कार्यक्रम है 15 नवंबर एकादशी के दिन, और 16 नवंबर को भगवान का विवाह है। श्री शालिग्राम जी का विवाह बारात मदन मोहन जी के मंदिर से उठ करके आर्य नगर होते हुए दीवान बाजार और छनालाल चौराहा, फिर आर्य नगर और हजारीपुर के लिए प्रस्थान करेगी। शक्ति सीमेंट एजेंसी के हाथे में वहाँ बारात पहुँचेगी, वहाँ उनका द्वार पूजा वगैरह होगा और फिर मंडप में बैठ करके श्री शालिग्राम जी और माता तुलसी जी का परिग्रहण होगा। इस दौरान और भी कुछ करने वाले हैं? इस दौरान में हर साल अपनी कान्हा सेवा संस्थान के द्वारा हर साल एक बिटिया की शादी होती है और इस बार भी है। क्या नाम है? वंदना यादव।